अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो जी, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं इम्तियाज़ की एक और वीडियो। आपने मेरी पहले वाली जो वीडियो है इम्तियाज़ की, वो बहुत पसंद की है और बहुत रिव्यूज़ आए हैं, लाइक भी हैं, और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने लाइक किया और जिन लोगों ने इसको देखा और मुझे बर्दाश्त किया, मेरी आवाज़ सुनी और मुझे सुना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे बेयर किया। और देखिए, एक बात मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें वीडियो बनाने में, एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और यकीन करिए आपका एक लाइक जो होता है, जस्ट कुछ सेकंड की बात है कि आपने सिर्फ लाइक करना है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो ये होता है कि जी मैं मोटिवेट होंगी और नेक्स्ट भी वीडियो जो है मैं शेयर करूँगी। अब देखिए, मैंने इतना लंबा गैप दिया है, मैंने 4-5 दिनों से कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि क्यों मैं कर रही हूँ ये काम, कोई नहीं, कोई लाइक तो करता कोई नहीं है, तो क्यों कर रही हूँ मैं ये सब। खैर, आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करते हैं नहीं लाइक करते, चलो डिसलाइक ही कर दिया करें, ताकि पता चले आप डिसलाइक तो कर रहे हैं ना। वो डिसलाइक करेंगे तो मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी अपनी हर चीज़ में, ताकि मुझे पता चले जी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं। खैर, इतने में ही हमारा इंटरेस्ट हो गई है और एंटर हो गए हैं हम लोग, तो आप सामने जो आ रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं, आपने इनको इग्नोर करना है। और आपने जी ग्रॉसरी करने गई थी मैं, और आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी में लिया है। और ये जो कुछ नूडल्स हैं, और ये बच्चे को देख के मुझे हंसी आ रही थी, इससे ट्रॉली बिल्कुल भी नहीं खींची जा रही थी, और भी नाकाम कोशिश कर रहा था कि खींचने की। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको एटिकेट्स बिल्कुल नहीं होते, और यकीन करें कि इतनी मुझे नहीं समझ लगती कि उन लोगों को किस तरह से अक्ल आएगी, किस तरह से उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए, जो लोग बिल्कुल साथ से होकर गुजर रहे होते हैं और एटिकेट नाम की कोई चीज़ उनमें बिल्कुल नहीं होती है। खैर, हमने क्या किया था कि यहाँ पे वो आंटियाँ थी, 3-4 बैठी हुई, वो वेट कर रही थी और हाइट भी चेक कर रही थी, हाइट के साथ बता रही थी कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, सब ये कुछ ऐसा कर रही थी। तो मैंने करवाया था, तो मैं थोड़ी सी कुछ नहीं हाइट छोड़े कुछ नहीं, मैंने भी हाइट करवाई थी अपनी, वेट करवाया था। मेरी जो हाइट है 5'3" है, और वेट मैं नहीं बताऊँगी बिल्कुल नहीं बताऊँगी। खैर, ये मैं उसी के लिए, आप देख रहे हैं कि जी वेट की बात आई है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। हालांकि ग्रीन टी से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अब मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ग्रीन टी पीने से आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता है, आप लूज़ कर लेते हैं अपना वेट। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ग्रीन टी से कुछ इफ़ेक्ट होता है। हाँ, अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, अगर आप खाने पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो मुमकिन है, साथ जिम वगैरह कर लें आप तो मुमकिन है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन टी से कोई इफ़ेक्ट होता है। खैर, ये जो बच्चों का कॉर्नर था और बच्चों की चीज़ें थी सारी, हमने देखा, और इसके बाद जी हम आगे हैं डेयरी सेक्शन में, और मुझे चाहिए थी चीज़, तो यहाँ से मैंने मोज़रेला चीज़ पिक की है। और यहाँ पे आपको आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल चीज़ें पड़ी होती हैं कि आपका बजट क्या है और आप कौन सी चीज़ लाइक करते हैं। यहाँ पे फ्रॉस्टिंग है, और आपने मतलब सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्राइस भी लगी होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस भी लगी होती हैं। और ये जो फ्रोज़न आइटम है यहाँ पे वेजिटेबल हैं फ्रोज़न। जी, बताने का मकसद ये है सिर्फ कि अगर आप कभी जाएँ, और अगर आप नहीं भी गए हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि जी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं आसानी से और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल भी हैं जो कि उन्होंने फ्रीज़ की हुई हैं, और अलग से वेजिटेबल्स भी हैं जी। और उसके बाद ये पराठों की बारी आ गई, और आपको जैसे कि बताया कि मुझे बहुत पराठे पसंद हैं, ये अगर आप एक भी खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, तो ये मोर देन इनफ होता है, आपका पेट फुल हो जाता है जी। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे जी फ्रोज़न आइटम्स, और जो है चपली कबाब हैं, सी कबाब हैं, बर्गर पैटीज़ हैं, नगेट्स हैं, एवरीथिंग, और हर ब्रांड की इन्होंने रखी होती है। मैंने जी सेवर्स के यहाँ पर लिए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं, तो मुझे सेवर्स के ही पसंद हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है इम्तियाज़ जाने का, वो ऑल टाइम अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा होता है, और लुक भी होते हैं जाहिर है। ये देखिए, मैं यहाँ से कोफ्ते भी ले रही हूँ, मुझे कोफ्ते भी चाहिए थे, तो ये सेवर्स के कोफ्ते मैंने पिक किया। आप मुझे बताएं, आप लोग घर में कोफ्ते अच्छे लगते हैं, या फिर आप रेडीमेड कोफ्ते पसंद करते हैं, या आप किसके हाथ के कोफ्ते आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जी। इसके बाद हम आ गए हैं मेरा फेवरेट सेक्शन जो है क्रॉकरी का, तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि बस
को आप क्रॉकरी वाले को सेक्शन को इम्तियाज को स्किप ही रखें, इसको साइड पे ही रखें बिल्कुल, क्योंकि आपका बिल्कुल दिल जाने वाला है कि आपको हर चीज़ अगर आपके पास है भी फिर भी आपका दिल करेगा कि आप ले लें जी। मेरिंग कप थे और देखेंगे प्राइस 765 रुपीज़, इट्स टू मच कॉस्टली। ये आम हम मिल जाते हैं 500 के या 600 मैक्सिमम, अच्छे बहुत अच्छे वाले भी हमें 600 तक मिल जाते हैं और यहाँ पे थोड़े से महंगे लगाए होते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों महंगे लगाए होते हैं। तो हमें जी अब हमारी ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हम जी बाहर आ गए हैं अब, और अपनी गाड़ी में हम सामान रख रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको घर जाते दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है। हम शाम में यहाँ आए थे और ग्रॉसरी करते करते हमें तकरीबन यहाँ पे रात हो गई है। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने ली थी, और अगर प्रॉपर आपको इनका रिव्यू देखना है, आपकी वीडियोस ये मुझे बहुत पसंद है और इनको आपने इग्नोर रखना है, तो मुझे बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।